शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल राजनीति के अखाड़े में आए नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा को दिगंबर अखाड़ा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अखाड़ा के इस निष्कासन की घोषणा के कारण कंप्यूटर बाबा आगामी प्रयागराज कुंभ में अखाड़े की गतिविधियों में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा को शिवराज सरकार ने राज्यमंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो उपेक्षा का आरोप लगाते हुए शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। पंच में ये निर्णय लिया गया कि हमारे अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़े के नामदेव दास उर्फ कंप्यूटर बाबा जो महामंडलेश्वर हैं उनको पद से आज हम उनको जो मुक्त कर रहे हैं, इसलिए निष्कासित कर रहे हैं कि मीडिया और मंडलेश्वर और साधुओं की वार्ता के से जानकारी से हमको ऐसा मिला कि वो आए दिन यहाँ मध्य प्रदेश में अपना साधु जो इधर घूमते फिरते हैं उनको इकट्ठा करके और ये कहते हैं तेरा अखाड़े के सब महंत लोग हैं, इसलिए वो अखाड़ों को हमको, हम स्वयं सचिव हैं, अखाड़े को कोई हमको जानकारी नहीं है। अखाड़े के पदाधिकारियों की हमने एक बैठक की और कल उज्जैन जो आपका ये उज्जैन दिगंबर अखाड़े में भी एक बैठक की और बैठक करके पूरे उज्जैन के जितने भी महंत अखाड़े के महंत हैं खड़दर्शन साधु समाज हैं सभी लोगों को हमने यहाँ एकत्रित करके और बैठक करके आज से हम जो है कंप्यूटर बाबा को जो है तो बहिष्कृत कर दिया। आगामी 2019 जो हमारा कुंभ प्रयाग का होने जा रहा है उसमें भी उनको हम प्रवेश नहीं देंगे, महामंडलेश्वर पर से उनको निष्कासित कर दिए। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा ने मन की बात के जरिए सरकार के खिलाफ इंदौर से संतों का अभियान शुरू किया था। 23 अक्टूबर को इंदौर में संत समागम करने के बाद 31 अक्टूबर को ग्वालियर में उन्होंने संत समागम किया था। वहीं अखाड़े के निष्कासन पर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि अखाड़ा परिषद की स्थापना धर्म की रक्षा के लिए की थी, न कि शिवराज सरकार को बचाने के लिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, गौ माता की रक्षा करूंगा, वो मेरा मुंह बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। 13 अखाड़े के साधु संतों को, संत समाज को मैं नमन करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ, चूंकि मैं संत हूँ, लेकिन धर्म रक्षा के लिए यदि कोई मेरे व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार से बाधा डालता है या व्यक्तिगत जीवन में कोई आरोप लगाता है, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, पर माँ नर्मदा के आंचल को दागदार नहीं रहने दूंगा, गौ माता को की दुर्दशा नहीं देख सकता हूँ, और मठ मंदिरों की जिस ढंग से हालत कर रहे हैं, संतों की उपेक्षा मध्य प्रदेश में हो रही है, संत समाज कंप्यूटर बाबा सहित इनके धर्म रक्षा के लिए सतत मैं प्रयत्नशील रहूँगा, चाहे शिवराज कितने भी हथकंडे अपना ले, मेरे व्यक्ति जीवन में जो लगे बीजेपी सरकार वो कर ले, पर मैं धर्म रक्षा से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पूरे जीवन को चाहे मेरा शीश कट जाए पर धर्म के साथ चलूंगा। नर्मदा में जो अवैध खनन हो रहा है, जो नर्मदा को दागदार कर रहे हैं, इनके जो परिवार के लोग कर रहे हैं, इससे मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे जो लगे वो कर ले, पर मैं धर्म की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। पद की लालसा में कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर की पदवी भी गंवा बैठे, ऐसे में अब बाबा शिवराज सरकार के खिलाफ खुलकर राजनीति के अखाड़े में दंगल करेंगे। फिलहाल देखना होगा बाबा अब आगे क्या कदम उठाते हैं।